हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी क्लास टेंथ के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. सो आपकी उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और उसमें हेल्प करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकेंड चैप्टर, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम में जो आपका ये चैप्टर आ रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर में आपको 90% चीज़ें आती हैं आफ्टर दिस टू वीडियोस. इस ये जो वीडियो है इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है. वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट मीन्स की अम्ल, क्षार और लवण, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे और अभी भी आपके ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न आपका सीबीएसई ने चेंज किया है उसके अंदर इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और किसी भी मोमेंट पे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा. और नाउ द एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चंस वगैरह बताऊँ आपको, उससे पहले आपको थोड़ा सा एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए. एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और जो सॉल्ट्स हैं लवण वो क्या चीज़ होती हैं. सबसे पहली चीज़ मैं एसिड्स के बारे में बताती हूँ. देखिए, एसिड अटैक और ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा एज यू ऑल नो कि हर चीज़ के ना बून और बेन होते हैं. मतलब कोई चीज़ अगर बेनिफिशियल है तो उसके लॉस भी बहुत सारे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके क्या देखते हैं. लेकिन जो एसिड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एसिड्स के बारे में बताने वाली हूँ. सबसे पहला जो पॉइंट है एसिड्स का, एसिड्स को हिंदी में कहते हैं अम्ल, ठीक है. अब ये जो होते हैं ना वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन का, जो इनका वाटर या एक्वस सॉल्यूशन होता है. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है कि जिसमें वाटर को डिसॉल्व किया गया, ठीक है. तो जो इसका सॉल्यूशन होता है, एसिड्स का जो सॉल्यूशन होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है. सबसे पहला पॉइंट सबको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्ल, टेस्ट में स्वाद में खट्टे होते हैं. ये पॉइंट बहुत बेसिक है. इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है लिटमस पेपर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सेकंड पॉइंट गिवन है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है. तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में. अब यहाँ पे आपके पास एसिड और बेस में ना ये लिटमस वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप मतलब अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको लर्न करिएगा. रेड ब्लू इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना तो इसमें डेफिनेटली कन्फ्यूजन होती है और ये आंसर गलत हो जाता है. सो मैं एसिड्स के बारे में बता रही हूँ. सबसे पहली चीज़ है कि ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड में. इसके अलावा ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज एसिड्स हैं, ठीक है. हमारी जो ह्यूमन बॉडी, हमारे स्टमक में ना एसिड बनने लग जाता है. एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को. तो एसिड हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कई बार वो एसिड का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे एसिडिटी बढ़ने लग जाती है. तो उस टाइम पे हम उस इंसान को, उस पेशेंट को इनो देते हैं, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा पानी में डिजॉल्व करके देते हैं. तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, एसिड में जब बेस को मिक्स करा जाता है तो उस टाइम पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो ऑब्वियसली जो ये एसिड है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है. इसके बाद में अब जैसे यूजेस है ना, इसके अलावा आपको इसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए. एसिड के एग्जांपल क्या है, HCl मींस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके अलावा H2SO4 मींस की सल्फ्यूरिक एसिड. ये दो टाइप्स में प्रेजेंट होता है, डायल्यूट भी होता है और कंसेंट्रेटेड भी होता है. इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सिट्रिक एसिड. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल थे जो कि एसिड्स में आते हैं. इनको अगर आपको लर्न करना है, जैसे कि सपोज HCl है, H2SO4 है, तो इसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 20 तक, कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स को लर्न करिए जो आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है. उससे आपको सिंबल्स लर्न हो जाएंगे और ऐसे जब कोई किसी का केमिकल फॉर्मूला गिवन होगा तो आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब एसिड्स के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है बेस. बेस क्या होता है, बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है. इसमें जैसे कि एसिड्स में होता है कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा, सॉर, ठीक है. सेम ऐसे ही जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर. बिटर का मतलब होता है ये जो बेस होते हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं. इसके अलावा जो लिटमस का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ब्लू को रेड करता है, ये रेड को ब्लू कर देता है, कौन, बेस, ठीक है. इसके अलावा ये न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज करेगा. इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जाम्पल में, इसमें आता है NaOH. अभी मैंने आपको बताया
कि आपको 20 तक के एलिमेंट्स कम से कम लर्न होने चाहिए, तो उससे आपको इसका नाम पता चल जाएगा। जैसे NaOH, Na होता है सोडियम के लिए, O होता है ऑक्सीजन का, H हाइड्रोजन, मींस कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड OH फॉर हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल थे बेस के, मींस कि क्षार के। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सॉल्ट। सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? लवण, ठीक है। अब इसमें हर बार जब भी मैं सॉल्ट्स बोलूंगी तो इसमें जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सॉल्ट पढ़ा होता है NaCl, जो कि हम घर में खाने में यूज करते हैं, जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एक सॉल्ट के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब वो सॉल्ट जरूरी नहीं है कि हर एक सॉल्ट सॉल्टी ही हो टेस्ट में, मतलब खाते वक्त वो नमकीन ही लगे। और ऐसा भी नहीं होता कि हर कोई पानी में डिजोल्व हो जाए, जैसे जो घर में कॉमन सॉल्ट होता है उसको आप पानी में इजिली डिजोल्व कर लेते हैं। सो सॉल्ट्स क्या होते हैं? लवण होते हैं। ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस का मतलब ना ये खट्टे होते हैं ना ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। उसके अलावा इनका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसका? सॉल्ट्स का। प्लस ये डज नॉट अफेक्ट लिटमस, ठीक है, कोई लिटमस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे एसिड्स और बेस में होता है। इस तरीके से सॉल्ट्स में कोई भी लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अच्छा और बुरा कोई भी नहीं, ना रेड ब्लू ग्रीन, कोई भी इफेक्ट लिटमस पे इसका नहीं पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता हैव सॉल्टी टेस्ट और ऑर्डरलेस, ठीक है। इनकी कोई प्रॉपर स्मेल नहीं होती, प्रॉपर फ्रेग्रेंस नहीं होती, और ये मोस्टली जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, लेकिन सब सॉल्टी नहीं होते। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं इनमें जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इजिली सॉल्युबल नहीं होते। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक जिसको हम घर में खाने में यूज करते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके अलावा जो सेकंड जो सॉल्ट दे रखा है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। आई होप आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का समझ में आया होगा। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये जो है ना मेजर डिफरेंसेज है एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या क्या होते हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, इसके बाद सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करिएगा। जो उसमें क्वेश्चंस बच गए थे मैंने इस पार्ट में कंटिन्यू करे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे आपकी स्टार्टिंग है वो है एट वॉट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। किस टेम्परेचर पे जिप्सम को हीट किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। अब इसमें जो टेम्परेचर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके अलावा आपको जिप्सम के कुछ यूजेस पता होने चाहिए, क्या होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो अभी इसका जो यूज होता है ना, ये जिप्सम जो है ना हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है। जो एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, मटेरियल्स को यूज करते हैं, उन सब में हम जिप्सम का यूज करते हैं। जो इसका कॉमन यूज है वो टूथपेस्ट में होता है या फिर शैम्पू में, जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, सो टूथपेस्ट और शैम्पूज में। उसके अलावा इसका यूज किया जाता है सीमेंट, ड्राई वॉल या पोर्टलैंड सीमेंट्स, इन सब चीजों को बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी का ही एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जो सीलिंग होती है वहां पे डिजाइन बनाने के लिए व्हाइट कलर का मटेरियल होता है, वो डिजाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। उसके अलावा प्लास्टर, जैसे कि किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाए, हड्डियां टूट जाए, उस टाइम पे फ्रैक्चर के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट यूज है, ये क्या करता है, क्रिएट करता है मोल्ड्स, किसके लिए, डिनर वेयर के लिए और डेंटल इंप्रेशन के लिए। जो क्रॉकरी होती है उसका जो ढांचा मोल्ड बनाया जाता है उसमें भी हम जिप्सम का यूज करते हैं। इसके अलावा डेंटल इंप्रेशन के लिए, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और किसी को अपना पूरा जो ये जो टीथ वाला पोर्शन है इसको पूरे को लगवाना होता है, पूरा सेट लगवाना होता है, हिंदी में बोलूं तो पूरा जबड़ा जिसको लगवाना होता है, उसके लिए डेंटल इंप्रेशन की जरूरत पड़ती है साइज मेजरमेंट के लिए, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका जो यूज किया जाता है रोड्स और हाईवेज को बनाने में भी यूज किया जाता है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस थे। प्लस इसका जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप चाहें तो ये यूजेस को एक दो को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। अब जिप्सम के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7, ठीक है। कोई एक सॉल्यूशन आपको गिवन है और उसका पीएच 7 दे रखा है। सबसे पहली चीज तो ये जो पीएच वाला कंसेप्ट है, ऑब्वियसली एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का ही नाम है, तो इस चैप्टर में पीएच वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पीएच पेपर होता है 1 to 7 तक की जो नंबरिंग होती है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है जिसको उदासीन कहते हैं, उससे जो कम होते हैं वो होते हैं एसिड्स, और उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं जैसे 8, 9, 10 ये टाइप जो होते हैं ये होते हैं बेस, मीन्स की क्षार। तो पीएच इस चैप्टर के लिए बहुत
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सपोज कोई एक सॉल्यूशन है विलियन आपको गिवन है जिसका जो पीएच है वो दे रखा है 7। अब इसमें बोला गया है कि अगर आपका इसको आपको इसका पीएच बढ़ाना है, ऑब्वियसली आपको 7 गिवन है तो 7 से ज्यादा आपका 7.1, 2, 3, 4, 7 और 8, 7.9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है। तो मीन्स कि इन शॉर्ट आपको 7 से पीएच थोड़ा सा ज्यादा करना है, तो आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे 6.9 तक का जो पीएच होता है वो होते हैं एसिड्स में। अब ऑब्वियसली आपको 7 से ऊपर करना है, इट मींस आपको इसको 7 के बाद में इसको बेस बनाना है। अब इसमें पूछा गया है कि अगर आपको इसका पीएच इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, सो ऑब्वियसली आप इसमें थोड़ा सा अमाउंट बेस का ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए, बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है उसको आपको पीएच को इंक्रीज करना है तो आप उसमें क्या अमाउंट ऐड कर देंगे, बेस ऐड कर देंगे, जिससे वो बेसिक सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका पीएच बढ़ जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है वो है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन, जो लैक्टिक एसिड है वो किस में प्रेजेंट होता है, सो आंसर है इसका कर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो लैक्टिक एसिड है या लैक्टोबैसिलस है, ये दोनों वर्ड्स को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, अपने दिमाग की मेमोरी में डाल लीजिए इसको, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड और लैक्टोबैसिलस है ना, ये जब भी इनकी आपको बैक्टीरिया की बात करी जाएगी तो इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड मिल्क कर्ड या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें पीएच की रेंज क्या होती है। मैंने आपको बताया था जो पीएच है ना हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट के लिए, ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बाद में आपको रियलाइज होगा कि यस, पीएच जो है ना हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और क्यों। सबसे पहली चीज तो आपके पास क्वेश्चन है जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसका पीएच रेंज क्या होता है, तो इसका आंसर है 7.0 से 7.8, ठीक है। ये जो होती है एग्जैक्ट वैल्यू हमारी पीएच बॉडी की होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी का पीएच 6.9 होता है, 7.0 से 7.8 का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो ह्यूमन बॉडी हमारी जो बॉडी है उसका पीएच 7.0 से नीचे मींस कि 6.9 होता है तो उस टाइम पे इंसान के कोमा में जाने के चांसेस हो जाते हैं, इवन कोमा में चले जाते हैं। मतलब कि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोमा में है तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि जो उसकी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो उस वक्त 6.9 है। अब सिर्फ 6.9 कोमा में जाना ही इतना डेंजरस नहीं है, उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि अगर पीएच 6.8 से नीचे गिरने जाए तो उस टाइम पे इंसान मर सकता है। और एज यू ऑल नो कि कोई चीज कम भी नुकसान करती है, ज्यादा भी नुकसान करती है, ऐसे ही अगर आपकी बॉडी का जो पीएच है 6.8 से नीचे चला जाता है तो मरने के चांसेस होते हैं, प्लस अगर पीएच 7.8 से ऊपर भी जाता है तो उस टाइम पे भी डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस है। बाकी लक फैक्टर की बात अलग है, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे डेथ होना पूरा पूरा तय है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है अ सॉल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ, मतलब कि जो रेड लिटमस पेपर है ना वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन है उसका अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू होगी, क्या नंबर होगा या पीएच रेंज उसका क्या होगा। सो सबसे पहली चीज कि रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, इट मींस कि वो बेस है, सो इसका जो आंसर है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो होगी 10। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है वो है पीएच वैल्यू लेस देन 7, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो इंडिकेट करेगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक, मींस कि अम्ल। और अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है तो इसका मतलब वो क्या होता है, बेस। अब ये ऐसे बेस एंड सॉल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले फर्स्ट पार्ट को देखे, इसके बाद में मैं बहुत जल्दी वीडियो का थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगी जिसमें हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।